दोस्तों, आपने साल 1992 में आई एक्शन ड्रामा क्राइम से भरपूर फिल्म बेखुदी तो जरूर देखी होगी, जो कि काजोल की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें काजोल मुख्य अभिनेत्री के तौर पर राधिका का किरदार निभाती हुई नजर आई थी और अपने जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब साबित हुई थी। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को काफी अच्छे से निभाया था और फेमस हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आप इन कलाकारों के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके बच्चों के बारे में जानते हैं, जो टैलेंट के मामले में अपने माता पिता से भी आगे हैं? अगर आप भी इनके टैलेंटेड और होनहार बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इन दमदार कलाकारों के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, फरीदा जलाल। फिल्म में राधिका की आंटी का किरदार अभिनेत्री फरीदा जलाल ने निभाया था, जो राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। इस किरदार को इन्होंने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा था और काफी लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिनका नाम यासीन है, जो कि अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें अपनी मम्मी की तरह ही अभिनय में काफी दिलचस्पी है और ये भी इन्हीं की तरह एक सफल एक्टर बनना चाहते हैं। नंबर 4, काजोल। फिल्म की लीड एक्ट्रेस राधिका का किरदार अभिनेत्री काजोल ने निभाया था, जो कि रोहित की प्रेमिका का किरदार था, जिसे इन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि ये दर्शकों की फेवरेट बन गई थी। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री के बच्चों के बारे में, तो इनके दो बच्चे हैं, न्यासा देवगन, युग देवगन। अगर बात करें न्यासा देवगन की, तो फिलहाल ये अभी 16 साल की हैं और अपनी पढ़ाई करती हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहती हैं, जो आए दिन अपनी एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती हैं। वहीं इनके बेटे युग देवगन अभी 9 साल के हैं और धीरूभाई अंबानी स्कूल से पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि युग देवगन अभी से अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। नंबर 3, कुलभूषण खरबंदा। फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए अभिनेता कुलभूषण खरबंदा नजर आए थे, जिन्होंने रोहित के पापा का किरदार निभाया था और इस किरदार के साथ काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो इनकी एक बेटी है जिनका नाम श्रुति खरबंदा है, जो इनकी इकलौती लाडली बेटी है, जिनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि श्रुति को एक्टिंग में हमेशा से ही दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन्होंने खुद को लाइमलाइट से हमेशा दूर रखा है। इसी वजह से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इनकी बेटी है। अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में, तो इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रोहित नवल संग जोधपुर के उम्मीद भवन में एक शाही शादी रचाई है। नंबर 2, विजेंद्र घाटके। फिल्म में राधिका के पापा का किरदार निभाते हुए अभिनेता विजेंद्र घाटके नजर आए थे, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार कलाकार के बच्चों के बारे में, तो इनकी एक बेटी है जिनका नाम सागरिका घाटके है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से काफी दूर है। इन्होंने अपना करियर फैशन डिजाइनिंग में बनाया है और आज ये फील्ड में काफी नाम कमा रही है। आपको बता दें कि इन बाप बेटी के रिश्तों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों को एक दूसरे के साथ कई पार्टियों के ओकेजंस में एक साथ देखा जाता है। नंबर 1, कमल सदाना। फिल्म में मुख्य किरदार रोहित का अभिनेता कमल सदाना ने निभाया था, जिनका किरदार फिल्म में राधिका के प्रेमी का था, जिसे इन्होंने बहुत ही सुंदरता से पर्दे पर उतारा था और काफी फेमस हो गए थे। लेकिन अगर बात करें इस हैंडसम अभिनेता के बच्चों के बारे में, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें बेटी का नाम लेया नम्रता और बेटे का नाम अंगद है, जिनमें इनकी बेटी अभी 11 साल की हैं और यूएसए में रहकर अपनी पढ़ाई करती हैं। वहीं इनके बेटे अंगद अभी 12 साल के हैं और ये भी अपनी पढ़ाई यूएस में रहकर करते हैं। आपको बता दें कि इनके दोनों बच्चे ही पढ़ाई में काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से पापा अपने दोनों बच्चों पर काफी गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार के बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।